तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं 1090 का स्टेयरिंग है वो उसे किस तरीके से हमने रिपेयर करना है। तो फिलहाल यहाँ पर स्टेयरिंग वगैरह सब कुछ हमने खोल लिया है एंड इस वाली गाड़ी का जो कि आप देख सकते हो हमने धड़ी वगैरह सब कुछ खोल रखी है। तो ये धड़ी वगैरह का काम तो हो रहा है एंड जो कि फ़िलहाल में काफ़ी काम है गाड़ी में तो इसे हम कर रहे हैं। आपको स्टेयरिंग किस तरीके से रिपेयर करना है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर स्टेयरिंग इस साइड का भी खुला हुआ है एंड उस साइड का हमने दोनों साइड का खोल रखा है। तो हमें काफ़ी फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि भाई हम जो काम पे हैं वो फोकस नहीं कर पाते। भाई फोकस करना चाहिए, देखो इधर उधर की चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ काम पे फोकस करना है। आपको काम पे अगर फोकस करोगे तो आपको काम की ही चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। अगर एक बार आपको सही तरीके से फोकस हो चुका उसके बाद में आपको काम सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर जो स्टेयरिंग है उसका जो कि बैरिंग की कोन है वो हम अंदर की साइड में लगा रहे हैं तो फिलहाल उसे लगाते हैं। इन जो काम की जो फोकस करने का जो तरीका है, अगर आपको एक बार अगर जो चीज़ अगर आपको दिमाग में आ गई कि हमें कुछ इस तरीके से करना है तो वो आप फिर ऑटोमेटिक ही कर लोगे, ठीक है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो फोकस करना वो ज़रूरी है, इसलिए बोलता हूँ फोकस कीजिए। एंड इसके बाद में अभी बैरिंग की बात करें तो बैरिंग अंदर लगा दिया है एंड बैरिंग लगाने के बाद में इसकी जो स्टेयरिंग की जो रॉड है मेन सॉफ्ट जिसे हम स्टेयरिंग पैटी भी कहते हैं उसे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऊपर से लगाएंगे, ठीक है। इसे आराम से लगाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर इसे हमने अच्छी तरीके से लगा दी है। अब बारी है इसके प्लेट की, ठीक है। इसकी प्लेट यहाँ पर है जो कि इस पे प्लेट पे जो थोड़ा एनामोल लगा है उसे हम बोल्ड के साइड पे जो छेद है उसमें उस पे होल के अंदर से थोड़ा एनामोल साफ़ कर लेते हैं। एंड इसके बाद में इसकी सेटिंग सिम उठाएंगे हम। तो फिलहाल यहाँ पर हमने इसकी सेटिंग सिम से उठा लिए। तो इसे उठाने के बाद में इस पर कुछ अच्छी तरीके से एनाबोंड लगाएंगे। तो आपको बोलता हूँ मैं कि इसे किस तरीके से हम रिपेयर कर देंगे, ठीक है। आप भी उस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो। अगर आप नए हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पुराने हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर गाड़ी के अलग अलग स्टेयरिंग बॉक्स होते हैं इसलिए मैं इस वाली जो गाड़ी का स्टेयरिंग बना रहा हूँ एंड जो कि अभी फ़िलहाल 1110 का स्टेयरिंग है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है तो उसका भी हम बताएंगे। तो चैनल पे तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर्स के हम काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। अभी फ़िलहाल में हम जो कि एनामोल्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, एनामोल का यूज़ होता है ऑयल जो लीकेजिंग होती है उसे रोकने का काम होता है, ऑयल लीकेज नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ पर सेटिंग सिम्स जो पर भी हमने एनामोल्स लगा लिया एंड जो कि इस प्लेट को हम किसी भी राउंड सर्कल में हम इसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसमें कोई सेटिंग्स वेस्टिंग्स जो सेटिंग्स का होता है वो नहीं होती है, इसे हम किसी तरफ से भी कस सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इनको कसना है, इसके बाद में हम इसके जो बोल्ड वगैरह हैं उसे भी अटकाने वाले हैं। तो फिलहाल में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो मैं थोड़ा सा लगाने वाला हूँ एंड जो कि वीडियो का जो वॉइस है वो हमने कम कर देंगे क्योंकि उसमें काफ़ी सारा शोर शराब होता है, उसी की वजह से उसको हाइड करना ज़रूरी है, उस पर आपको सही तरीके से फिर फोकस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में वीडियोस काफ़ी कम आ रही है यूट्यूब पर क्योंकि यार देखो आपको पता है मैं खुद की जो मेरी शॉप है नहीं, मैं खुद दूसरों की शॉप पे जो कि हमारे जो उस्ताद है उनकी शॉप पे काम करता हूँ तो इतना फोकस हो नहीं पाता क्योंकि अगर काम करता हूँ तो वीडियो नहीं बना पाता हूँ, कभी कभार ही टाइम मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो फिलहाल मैं आपके लिए बहुत ही कोशिश करता हूँ कि वीडियो जल्द से जल्दी आए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो कि वीडियोज़ में बनाता हूँ और काफ़ी बार क्या होता है कि मुझे खुद से काम करना होता है तो वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो इसलिए वीडियोस बहुत ही लेट आती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट एंड प्यार की वजह से हम जो कि वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी लेके आएंगे। तो फिलहाल में अब जो कि हम स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर इन बोल्ट को अच्छी तरीके से आपको बराबर लोड आपको ले लेना है एंड इसे अच्छी तरीके से कस देना है। तो फिलहाल यहाँ पर ने कसने के बाद में इसकी जो ऑयल सील है हम वो लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑयल सील्स ओरिजिनल लगाना है क्योंकि यार ऑयल सील्स ये काफ़ी लीकेज होती है जो कि इसके आराम की जो ऑयल सेल है वो काफ़ी लीकेज होती है काफ़ी बार, यानी कि काफ़ी जो कि मेन शाफ्ट की नहीं होगी पर इसकी तो होगी ही होगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से हम लगा देंगे, ओरिजिनल लगाना है एंड जो कि इसका नट है उसे हम बाद में लगाएंगे। एंड इसके बाद में जो कि इसका आराम है वो थोड़ा गया हुआ है लेज पे क्योंकि उसमें जो बोल्ड जो कि इसका नट है वो थोड़ा ख़राब हो चुका था। तो फिलहाल यहाँ पर उसे ले आए एंड उसे अच्छी तरीके से लगा देना है एंड किस तरीके से लगाना है ये भी आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसमें व्हील बोल्ट डाल रखा है, इसका जो चेक नट है वो ख़राब हो चुका था एंड इसके थ्रेड हमने अभी बनवाए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो कि स्टेयरिंग पेटी हमारी लगा दी गई है, किस तरीके से इसे आराम को लगाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पर इसे हमने लगा दिया है और किस तरीके से आपको लगाना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर इसे हम सीधा करेंगे,
एंड मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो तीन सर्कल राउंड लगे हुए हैं वो बीचों बीच सेंटर में, जो आइट साइड में है वो है। तो आपको एकदम कॉर्नर से नहीं लगाना है, एकदम सेंटर करके लगाना है उसे, तब कि आपका जो स्टेरिंग है वो पूरी तरीके से चल पाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर इसके जो कि प्लेट का जो बोल्ड है हमारा, जो सेटिंग्स होता है यहाँ से, तो उसे हमने लगा दिया है। एंड उसके बाद में जो प्लेट है उस पर कुछ अच्छी तरीके से हम एनामोल लगाने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो कि एनामोल्स का यूज़ करेंगे हम, ज़्यादा स्टेयरिंग में ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, दो बेरिंग है एंड मेन सॉफ्ट है, और उसके बाद में जो कि हमारा आराम है यहाँ पर आप देख सकते हो वो लगा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर जो कि इसकी प्लेट लगाते हैं, और प्लेट के पहले हमने एनामोल का यूज़ कर लिया ताकि हमारा ऑयल लीकेज ना हो। इसके पैकिंग वैकिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो फिलहाल यहाँ पर मैं कपड़ा देता हूँ साफ़ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे हमें बाहर निकलना है। ये स्क्रू लगा हुआ है उसमें, स्क्रू टाइप में, तो आप स्क्रू ड्राइवर से उसे आराम से कस के आप बाहर निकाल सकते हो। एंड जो प्लेट है उसे अच्छी तरीके से आपको लगा देना है। ठीक है, सेटिंग्स अगर स्टेयरिंग आपका जाम हो रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेटिंग्स वो बाहर से ही हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर से ही उसे फ्री करके रखो। पहले आपको प्लेट अच्छी तरीके से उसे कस देनी है, जो कि बोल्ड है हमारे जो कि सेटिंग्स का है, उसे अच्छी तरीके से आप निकाल लेना बाहर। एंड जो कि प्लेट है उसे अच्छी तरीके से चिपका के फिर जो कि स्टेयरिंग को हम सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे लगा दिया। इसके बाद में फिलहाल यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो उसका जो स्क्रू है वो थोड़ा टूट चुका है, यानी कि जो बोल्ड है उसका थोड़ा सा हिस्सा टूट चुका है, तो उसमें था कि प्रॉब्लम आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर इसे हम कुछ अच्छी तरीके से थोड़ा हथौड़ी का यूज़ करेंगे उसे ठोकने के लिए। ठीक है, उसे ठोकने के बाद में अच्छी तरीके से बैठ चुका है वो, फिलहाल पूरा कर चुका है। एंड इसे अच्छी तरीके से हमने बिठा दिया। अब जो स्टेयरिंग है वो हमारा थोड़ा जाम हो चुका है, उसे बाहर से ही हम सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, अंदर बाहर होने से हमारी जो कि चौल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर इसके चार बोल्ड है, तो चार बोल्ड हमको लगा लेना है जो कि 12 नंबर के हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर 12 नंबर के जो बोल्ड है उसे बराबर तरीके से हमें अच्छा फुल टाइट कर देना है। ठीक है, इन पे कोई भी ढीला वगैरह नहीं होना चाहिए ताकि हमारा जो ऑयल है वो लीकेज ना हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इन सभी को हम कसते हैं। एंड इसके बाद में हमारा जो स्टेयरिंग है उसे कुछ अच्छी तरीके से हम सेटिंग्स कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर एक बोल्ट जो कि हमारा बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लास्ट वाला बचा है, तो इससे भी हम अच्छी तरीके से कस देते हैं। एंड इसके बाद में हम जो इसका जो मेन सॉफ्ट का जो लॉक बोल्ट है, लॉक वाला बोल्ट, हम उसे भी लगाएंगे। एंड इसे पहले सेटिंग्स कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो कि चारों बोल्ट पर अच्छी तरीके से हमने लोड भी चेक कर लिया है ताकि हमारा जो कि ऑयल है वो लीकेज नहीं हो। फिलहाल यहाँ पर जो कि इसका 17 नंबर जो कि आपको यहाँ पर नट है वो आपको दिखाई देगा, तो फिलहाल यहाँ पर एक नट है, 17 नंबर का नट आपको दिखाई देगा। तो 17 नंबर नट के आप पहले आप जो कि उसमें वो लगा सकते हो एनामोंट्स, उससे पहले हम जो कि इसका आराम लगा रहे हैं। आराम के ऊपर एक निशान होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कट वाला निशान है, उसे आप बराबर तरीके से लगा सकते हो। एंड इसमें व्हील बोल्ट लगा रहे हैं हम, क्योंकि व्हील बोल्ट सही बैठा है, जो कि व्हील बोल्ट पहले इसका जो चेक नट था वो ख़राब हो चुका है, इसीलिए हम व्हील बोल्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो कि स्टेयरिंग है वो थोड़ा हल्का सा टाइट चल रहा है, तो फिलहाल यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा टाइट रखा हुआ हूँ। एंड इसे हम वापस थोड़ा सा हल्का सा ढीला करेंगे और उसे अच्छी तरीके से हम सेटिंग्स करेंगे। तो यहाँ पर देख लो, आप आपने बोल्ड लगा दिया था। एंड अब यहाँ पर जो कि इसके सेटिंग्स की जो है वो हम यहाँ पर सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ अच्छे से सेटिंग्स कर लेना है, जो स्टेयरिंग में है वो चाल नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर हल्की सी चाहिए, तो हम इसे कस रहे हैं ताकि हमारी चाल जो है वो ख़त्म हो। ठीक है, यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से थोड़ा 3 से 4 राउंड जो कि चूड़ी है वो चढ़ा दिया है। एंड उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि स्टेयरिंग है वो किस तरीके से अब फ्री घूम रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ये किस तरीके से फ्री घूम रहा है। तो यहाँ पर जो कि स्टेयरिंग है वो हमारा ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, हम इसे अच्छी तरीके से बोल्ट को लॉक कर देंगे ताकि हमारा स्टेयरिंग है वो कम ज़्यादा चाल ना हो। तो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।